खबर अलीराजपुर से है, जहां 8 अक्टूबर 2021 को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर अलीराजपुर में इन दिनों पाठशाला का आयोजन हो रहा है। आप चौंकिए नहीं, ये बच्चों की पाठशाला नहीं बल्कि चुनावी पाठशाला है। जी हां, इसके माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु के ग्रामीण, नगरीय सहित जिले के आमजन को निर्वाचन प्रक्रिया को सहज और सरल तरीके से समझाने का नवाचार किया गया है। जिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने और आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से उक्त चुनावी पाठशाला प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से विधानसभा क्षेत्र जोबट में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को एवं आमजन को मतदान एवं मतदान की प्रक्रिया के प्रति सजग करते हुए जागरूक करने की यह अनूठी पहल है। जिले में यह नवाचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन के दिशा निर्देशों में प्रारंभ किया गया है। उक्त चुनावी पाठशाला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर अलीराजपुर के कक्ष क्रमांक 9 में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होकर आमजन को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का एक बेहतर माध्यम सिद्ध हो रही है। इस पाठशाला में मतदाताओं को मताधिकार के संबंध में जागरूक करने के साथ साथ मतदान हेतु उपयोग होने वाले पहचान के दस्तावेजों, कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत मतदान की प्रक्रिया, ईपिक कार्ड की जानकारी, आयोग के टोल फ्री नंबर, निर्वाचन आयोग के अन्य दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी यहां चित्रों के माध्यम से समझाने हेतु स्थापित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि उक्त पाठशाला में एक कर्मचारी की तैनाती की गई है, जो प्रत्येक आने वाले को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन के संचालन तथा वोट डालने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए यहां लगे पोस्टर के माध्यम से जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। यहां स्थापित किए गए टीवी के माध्यम से स्थानीय भाषा में मतदाता जागरूकता गीत का प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र है। मतदाता जागरूकता के उक्त नवाचार के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प ने बताया कि अलीराजपुर जिले में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, जिससे जिले का मतदान प्रतिशत बढ़े तथा आम जन मतदाता के महत्व को समझते हुए जागरूक हो। इस उद्देश्य से उक्त पाठशाला प्रारंभ की गई है। इसमें ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है उक्त पाठशाला के माध्यम से जागरूक होकर मतदाता अपने मताधिकार का निर्भीक होकर उपयोग करे। जोबट विधानसभा का उपचुनाव जो 30 तारीख को होने वाला है, उसके लिए स्वीप की एक्टिविटी काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी। जो वहाँ के शासकीय कर्मचारी हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, आंगनवाड़ी के लोग हैं, उनके माध्यम से सभी ग्रामीणों को जोड़कर ये कोशिश की जा रही है कि 30 तारीख को जब आपके मतदान केंद्र पर वोट हो तो आप जरूर इसमें भाग ले और कोई भी व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे। इसको फैसिलिटेट करने के लिए अलीराजपुर में, आज़ाद नगर भाबरा में और जोबट में 3 चुनावी पाठशाला भी बनाया गया है, जहाँ पर कि 10 से 5 तक प्रत्येक दिन मास्टर ट्रेनर भी उपलब्ध रहेंगे। चुनाव के संबंध में मतदान दल के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, मीडिया के लोगों को और आम नागरिक को जो भी डाउट्स हो वो वहाँ क्लियर किया जा सकता है। और जो ईवीएम मशीन है उसके बारे में कोई हैंड्स ऑन करना हो या उनके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चुनावी पाठशाला में अवश्य आए और आकर हैंड्स ऑन करें ईवीएम पर, कोई आपके डाउट्स हो तो उसको पूरा करें। और जो स्वीप की एक्टिविटी जिले में की जा रही है उसके माध्यम से आप ऐसा एक माहौल बनाएं कि जिले का कोई भी व्यक्ति 30 तारीख को जोबट विधानसभा में जो मतदाता है वो किसी भी तरीके से अपना मताधिकार करने से वंचित न रहे। मतदान आपका अधिकार है। जोबट विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप अपने मतदान केंद्र पर 30 तारीख को अवश्य आएं और मतदान करें। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलांकी की रिपोर्ट।